हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 जो आपका चैप्टर कटिंग चल रहा था, कटिंग फ्रॉम ग्राउंड में स्टार्ट कराया था, क्योंकि बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये सबसे हार्ड टफ चैप्टर है, इसलिए हमने सबसे पहले इसी को ले लिया। टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं ऐसे अंदर केवल फॉर्मूले फॉर्मूले लगाते जाओ, सॉल्व होता जाएगा। इंप्लीमेंट कैसे करना है वो समझते हैं ना साथ ही साथ। देखो साथ कैसे करें, वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने आपको होमवर्क में दिया था, बट हम इसको सॉल्व भी करवा दे रहे हैं। आज आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, उनको अच्छे से डिवाइस कर लेना फिर से। ओके, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कराएंगे, फॉर्मूले फॉर्मूले थोड़ा चेंज कराएंगे सॉल्यूशन। देखो एरिया फोर वॉल्स हमने क्या बताया था आपको, एरिया फोर वॉल्स, फोर वॉल्स फॉर्मूला बताया था हमने आपको, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये आपका एरिया फोर वॉल्स का फॉर्मूला है। प्लस सीलिंग, सीलिंग मतलब आपका रूफ, रूफ के नीचे का जो पोर्शन है उसको सीलिंग बोलते हैं, छत को। ओके, उसको भी ऐड कर दो, जो सीलिंग है वो सेम होगा तो वो भी इक्वल होगा एल बी, एल इंटू बी, इसमें पुट कर दो ये सारी वैल्यू लेंथ ब्रेथ हाइट, और उसके बाद में किस मल्टीप्लाई कर देना है 7.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का हमें दे रखा है कॉस्ट 7.50, तो आपका जो टोटल एरिया निकलेगा उसी वाइट वॉशिंग में स्पेंड कराया तो खर्चा वो निकल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इज 5 मीटर, 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई एच, एच इज 3 प्लस एल बी, अगेन एल इज 5 इंटू 4। नाउ सॉल्व इट, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20। ओके, 2 नाइन 18 18 54 54 प्लस 20 ये आपका हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ये आपकी एरिया निकली, एरिया ऑफ व्हाइट वॉल्स, जहाँ आपको जो व्हाइट वॉल्स करानी है उसका एरिया निकलेगा। अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग, तो 74 मल्टीप्लाई 7.50 मल्टीप्लाई आप कर लेना, इसका आंसर आएगा 5.00 रुपीज। ओके, ये आपका स्पेंड हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,